हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुबीन ए मुंडेवाड़ी, मुंडेवाड़ी आयुर्वेदिक क्लिनिक से। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आयुर्वेदिक हर्बल ट्रीटमेंट एक बीमारी का, जिसका नाम है डेंगू फीवर। और ये ऐसी बीमारी है जो काफी लोग या ऑलमोस्ट सभी लोग जानते हैं अच्छी तरह, और उसका डे टू डे ट्रीटमेंट जो रहता है वो भी जानते हैं। अब डेंगू फीवर क्या होता है? ये एक फीवर है जो डेंगू वायरस के थ्रू, मस्कीटो बाइट के थ्रू ट्रांसमिट होता है। अब इसमें सिम्टम्स क्या रहते हैं? हाई टेम्परेचर, बहुत बदन दर्द, उल्टी, स्किन रैश। और ये फीवर जो है यूजली स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट जैसे पेन किलर्स वगैरह देते हैं उससे कम होता है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है। अभी इसमें अगर थोड़ा ज़्यादा अगर हो तो इंटरवेनस फ्लूड्स देने पड़ते हैं, जिसके बाद फीवर रैपिडली सबसाइड हो जाता है। इसमें एक प्रकार ऐसा है जो काफ़ी सीरियस है, और इसको डेंगू हिमोरेजिक फीवर बोलते हैं, जिसके अंदर पूरे बॉडी के अंदर ब्लीडिंग हो सकती है, और ये जो है काफ़ी फेटल या सीरियस है, फेटल भी रह सकता है। अब इसमें आयुर्वेदिक हर्बल ट्रीटमेंट क्या है इसका? तो आयुर्वेदिक हर्बल ट्रीटमेंट जो है ये सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देना पड़ता है इसके अंदर, साथ साथ फीवर का, स्किन रैश का, बर्निंग सेंसेशन का ट्रीटमेंट देना पड़ता है। इसी तरह से जो बॉडी पेन, सीवियर बॉडी पेन है जो इसका एक कैरेक्टर सिम्टम है, इसको ट्रीट करने के लिए दवा देनी पड़ती है। साइड बाय साइड वॉमिटिंग, डायरिया के लिए भी ट्रीटमेंट देना पड़ता है। अगर ब्लीडिंग की टेंडेंसी दिख रही है तो इसका भी ट्रीटमेंट देना पड़ता है। ऑफकोर्स इस तरह के पेशेंट्स को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है, लेकिन साइड बाय साइड आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं, जिससे ये जो इमरजेंसी सिचुएशन है इसको ट्रीट किया जा सकता है, प्रिवेंट किया जा सकता है। यूजुअली ये जो ब्लीडिंग होती है ये ग्रॉस इन्फ्लेमेशन होता है ब्लड वेसल्स में, छोटे कैपिलरीज में, पूरे बॉडी में, और इस इन्फ्लेमेशन को आयुर्वेदिक हर्बल दवा से बहुत अच्छी तरह से ट्रीट किया जा सकता है, जिससे ये सीरियस कॉम्प्लिकेशन प्रिवेंट हो। इसी तरह से खून के अंदर जो टॉक्सिन्स रहते हैं इसको भी जो है बॉडी से निकालने के लिए ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। तो ज़्यादा करके जो डेंगू फीवर के पेशेंट्स हैं, ज़्यादा करके बहुत जल्दी इनका रिस्पॉन्स आता है। और आयुर्वेदिक हर्बल मेडिसिन बहुत सारे हैं मार्केट में, जिससे प्लेटलेट काउंट भी बढ़ता है, फीवर भी, और बदन दर्द वगैरह जो है ये सब सिम्टम्स बहुत जल्दी सबसाइड हो जाते हैं, स्टार्ट करने के विद इन 48 आवर्स फर्क पड़ता है। तो इस तरह से 90-95% पेशेंट्स तो इसी तरह से ट्रीट कर सकते हैं, घर में ट्रीट कर सकते हैं, और बिना किसी प्रोलॉन्ग्ड ट्रीटमेंट के या बिना किसी कॉम्प्लिकेशंस के ट्रीट कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स रहा एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आयुर्वेदिक हर्बल ट्रीटमेंट डेंगू फीवर का। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।